हेलो हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में मैं आज आपको कुछ हेलो एलकेन के ऐसे आईयूपीएसी नेम बताने वाला हूं जिसमें अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं, बहुत आसानी से गलती करते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से ये आईयूपीएसी नेमिंग आपकी होगी। चलिए ये देखिए, आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स आई हैं। ये सभी आईयूपीएसी नेम आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वहीं से ये लिए गए हैं, उसी को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जब आप इस नेम को राइट करेंगे तो बच्चा क्या करता है, यहां पर बच्चा पार्टी ये गलती बड़ी जल्दी कर लेता है। ब्रोमीन बीआर देखा और नंबरिंग बीआर की साइड से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 गलत है। डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड आपका हेलो एल्केन वाली यानी हेलोजन से ज़्यादा सीनियोरिटी में आता है। ये मिस्टेक आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस मिस्टेक से बचिएगा। इस मिस्टेक से बचने का तरीका है कि डबल बॉन्ड जिधर से लोवेस्ट पर हो आप उधर से नंबरिंग करिए और तब आप अपने ब्रोमीन को ध्यान में रखिए। तो इसका नेम क्या हो जाएगा सर, इसका नेम आप देखेंगे तो नेम आप इसका लिखेंगे ये कि 4 पर तो लिखेंगे ब्रोमो, 4 पर क्या लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट। फिर 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है तो ईन। ये लीजिए पूरा नेम, अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये गलती करते हैं जो मैंने आपको पहले बताई है, इस गलती का तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बड़ी बात नहीं है, 12th के बच्चे बड़े आसानी से समझ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एक नेम और देखते हैं। अगले नेम में अगर आप गौर करेंगे तो अगले नेम में भी हम लोग यही गलती करते हैं। फिर से ये देखा तो इधर से चल दिए जल्दी से, ना यहाँ डबल बॉन्ड 1 पर है, फिर ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा नंबर 4 है। एक सब्सिट्यूएंट भी मिल गया और ब्रोमो भी मिला। अगर यहाँ सब्सिट्यूएंट और ब्रोमो में से बात की जाए तो किसका नंबर पहले आएगा, ब्रोमो का पहले आएगा, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद मिथाइल कितने पर है, 2 पर है, तो फिर लिख दिया 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो लिखा क्या, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 1 और ईन। क्लियर, ये हो गया। देखिए दूसरा नेम भी, ये दूसरे नेम में भी आपको लगा होगा कि उतनी टफ बात नहीं है। 12th क्लास में अगर आप लोग थोड़ा सा भी फोकस करके पढ़ेंगे ना तो 100% गारंटी दे रहा हूं, नंबर आपको 95 प्लस ही दिखाई देते हैं। बहुत आसान, और इस साल के लिए तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि इस साल तो आपको सीबीएसई ने नंबर के लिए कटोरा भर करके दे रखा। लो बेटा लो, क्यों, 10 यूनिट में 70 मार्क्स। उन बच्चों को भी सोचिए जो 16 यूनिट में 70 गेन करते थे। तो इस साल मत छोड़िएगा इस चांस को, आपके पास बहुत गोल्डन चांस है। चलिए अगले नेम पे शुरू करते हैं। अगले नेम में फिर से वही कि देखते हैं 1 2 3 1 2, डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है तो 2 पर आ रहा है तो किस तरह से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस बार सब्सिट्यूएंट भी है बीआर के साथ और आपका क्या है, नीचे आपको दिया भी है क्या, बीआर भी दिया है 4 पर, लिखिए। तो लिखेंगे कि सर सबसे पहले तो लिखो 4 ब्रोमो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बनता है 3 पर मिथाइल आपका हो गया। फिर 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंटीन, लेकिन 2-ईन है ना, पेंटीन डायरेक्ट मत लिख देना, अन्य शैम्पू की तरह तुम्हारे बाल की, जैसे शैम्पू से बाल बिल्कुल चमकते हैं ना, वैसे नंबर नहीं चमकेंगे, गायब हो जाएंगे सब। चलिए ये नेम भी आपको आ गया होगा, एक बार बिल्कुल चेक कर लिया कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत फोकस इधर उधर हो जाता है, उसको जरूर देख लें। अगर ऐसा कहीं है तो आप कमेंट कीजिए जरूर, हम आपकी इसके क्वेरीज को जो है सॉर्ट आउट कर देंगे बहुत जल्दी। यस नेक्स्ट पर, यहां फिर मिस्टेक करते हैं, कुछ ऊपर की लाइनों को इतना रट लेते हैं कि वो फिर मिस्टेक करते हैं। कैसे फिर मिस्टेक करते हैं, सर ने बताया सर, मतलब ऐसा कर लेते हैं कि इधर से नंबरिंग करनी है। इस बार देखिए 1 2 1 2, डबल बॉन्ड दोनों साइड से 2 पोजीशन पर ही है, तो फिर क्यों ना हम बीआर को 1 पर रखें। समझ में आई या नहीं आई,
डबल बॉन्ड कार्बन चेन में दोनों तरफ से क्या था, बराबर है, बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर है, तो फिर हम उसी हिसाब से अपनी नंबरिंग करें, क्यों नहीं करें, बिल्कुल करेंगे। चलिए आप लिखते हैं क्या, वन ब्रोमो ये बना आपका, और टू पर क्या लगा हुआ है, टू पर लगा हुआ है मिथाइल, और कितने कार्बन के साथ है, चार के, तो ब्यूट टू इन। ये रहा आपका एक और नेम फर्स्ट क्लास, जिसमें आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ठीक, बड़े आराम से इसको समझ लेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। नेक्स्ट नेम में देखिए आपका, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, यहाँ से बस मिथाइल कम हुआ है, तो वन ब्रोमो ब्यूट टू इन हो जाएगा, आप भी मिथाइल बीच में से रफ कर दीजिए, एक काम और ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले नेम को देखते हैं, नेक्स्ट वाले नेम में क्या है हमारा, यहाँ पर है वन टू और ये है वन, तो इस बार इधर से होगा वन टू थ्री, तो इस कंडीशन में क्या करा जाएगा, इस कंडीशन में आपका करा जाएगा कि थ्री आप लिख दीजिए ब्रोमो, थ्री ब्रोमो और कितना, टू मिथाइल, और इसके बाद आप राइट कर दीजिए कितना, तीन के लिए प्रॉप, और कितना, वन इन, या यहां तो वन के लिए डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ नेम थे जिनमें हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी के ही हैं, जो कि बहुत इजी थे, जिनको समझना बहुत आसान है। तो इस साल मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, समझ गए, एनसीईआरटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे उनको सीबीएसई के टीचर जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कैसे मोल्ड करते हैं, वो सारी पूरी तैयारी के साथ आपको यहाँ कराने वाला हूँ। और उसके लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, इतना जोर नहीं लगता।